श्री देवरा बाबा सरकार जब घने जंगलों में होते तो जंगल में रहने वाले व्याघ यानी शेर भी बाबा के पास आ जाते थे। एक बार एक भूखे शेर के मुंह में बाबा ने अपना हाथ डाल दिया। वो शेर बूढ़ा हो गया था और कई दिनों से बहुत भूखा था। हुआ ये कि वो शेर एक दिन एक दलदल में फंस गया। वो वहां से निकल नहीं पा रहा था। श्री बाबा सरकार वहीं एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। बाबा को अपनी शक्ति से पता चला कि उनके आसपास एक जीव बहुत कष्ट में है। बाबा जो करुणा के अवतार हैं, उन्हें भला किसी का कष्ट कैसे अलग रख सकता है, वे कैसे दूर रह सकते हैं। बाबा से ये सहा नहीं गया। वे अपनी तपस्या से उठे और उस शेर के पास आए। वहां कुछ आदिवासी कोल भील भी थे। बाबा ने कहा, बच्चा इस शेर को इस दलदल से बाहर निकालो। वे डर गए, बोले, महाराज अगर हम इसके पास गए तो ये खा लेगा। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। बाबा बोले, बच्चा डरो नहीं, अच्छा तुम लोग पीछे हो जाओ, मुंह की तरफ मैं हो जाता हूँ, चलो अब धक्का मारो। वे आदिवासी बोले, अरे ये संत जी क्या कह रहे हैं, मुंह की तरफ खुद खड़े होंगे, शेर तुरंत ही खा लेगा। बाबा ने कहा, बच्चा डरो नहीं, ये पुण्य कर्म है, कभी कोई विपत्ति में हो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, अभी इसकी जान बचाओ, ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है और ईश्वर तुम्हारे इस पुण्य कर्म से प्रसन्न होंगे। श्री देवरा बाबा के संकल्प से वे सभी कोल भील राजी हो गए और सभी लोग दलदल में कूद पड़े। श्री बाबा शेर के मुंह के पास थे। एक बार धक्का दिया गया, दूसरी बार और तीसरी बार में शेर दलदल से बाहर। लेकिन बेचारा शेर जो बहुत वृद्ध हो गया था, उसके शरीर में जान नहीं थी कि वो शिकार कर पाए। बाबा ने अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया और कहा, बच्चा तुम भूखे हो, लो इसको प्रेम से खा लो। लेकिन ये क्या, शेर बाबा के हाथ को चाटने लगा। उसने खाया नहीं। वो जानता था कि सामने स्वयं परमात्मा ही है, भला सबके हृदय में रहने वाले प्रभु, कोई जीव कैसे उनको चोट पहुंचा सकता है। कोई अपने शरीर को चोट पहुंचाएगा क्या? नहीं। ठीक वैसे ही शेर समझ गया कि ये मुझसे अलग नहीं, ये तो मेरे ही हैं, मेरे अपने हैं। और बाबा को वो चाटने लगा। बाबा ने बड़े प्रेम से उसके ऊपर हाथ फहराया। उसके सिर पर हाथ घुमाते हुए बोला, बच्चा जाओ, मेरी असीम कृपा आशीर्वाद है। प्यारे मित्रों, श्री देवरा बाबा सरकार की ये घटना ये दर्शाती है कि कभी अगर कोई कष्ट में हो, आपके सामने कोई प्राणी दुख पा रहा हो, तो यथासंभव प्रयास अवश्य करना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि आजकल कलयुग है, पता नहीं सामने वाला व्यक्ति किस सोच में है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, लेकिन जैसे भी हो अपनी सुरक्षा के साथ उसकी रक्षा का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो भगवान से प्रार्थना तो कर देनी चाहिए, आपका भी भला होगा। जय श्री हरि, जय श्री बाबा।